Hi guys, welcome to our Disbursement. Today our topic is TDS and GST. Okay, so ये अभी 1st of October 2018 से applicable हुआ है और that is yesterday. And इस वीडियो में हम इसका applicability जानेंगे, किस किस organization से applicable है और limit जानेंगे किस amount के बाद TDS काटना है आपको और एक पूरा केस लेंगे invoice लेके उसका disbursement तक. Okay, फिर returns discuss करेंगे. Okay, and in the end हम जानेंगे कि क्यों लाया गया ये clause, ये TDS का section. And ये किस किस के लिए helpful रहेगा, ये first and foremost जो लोग student articleship में जा रहे हैं वो लोग के लिए बहुत relevant रहेगा ये video. जो exam है जिसका May 19 में, उनके लिए भी ये बहुत important रहेगा क्योंकि May 19 में ये provision applicable है. फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा क्योंकि उनका पूरा काम को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है. और इन द एंड जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत रेलेवेंट रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लीकेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अप्लीकेबल है अभी TDS की जो भी प्रोसीजर है. ओके, दैट इज स्टेट, सेंट्रल, लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूट सेटअप बाय पार्लियामेंट जैसे अपना ICAI एंड अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो इन सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जनरली ये लोग कैसे काम करते हैं, टेंडर रेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, फिर PO या वर्क ऑर्डर जनरेट करते हैं और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कोई भी सर्विस के लिए, भले वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो या ऑडिट सर्विस हो या कोई भी चीज. तो ऐसे होता है. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को अब जीएसटी में तो रजिस्टर्ड है ही है, ये जीएसटी के अंदर ही टीडीएस के लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन इनको लेना होगा. ओके, तो इन पांच ऑर्गेनाइजेशन को टीडीएस में रजिस्ट्रेशन लेना होगा. दैट इज द डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है, डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा. दैट इज एप्लीकेबिलिटी. नाउ सेकेंड, किस अमाउंट के ऊपर में टीडीएस काटना है. देखिए सेक्शन बोला है कि 250,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो आपको टीडीएस काटना है. अब ये दो हो सकता है, एक होता है इनवॉइस वैल्यू, जो इंडिविजुअल इनवॉइस रेज करते हैं अगर वो 250,000 से ऊपर है, 250,100 भी है तो आपको टीडीएस काटना है, लेकिन 250,000 से कम या 250,000 है तो कोई टीडीएस नहीं रहेगा. ये इनवॉइस वैल्यू हो गया. अब होता है दूसरा टर्म है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. अगर जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, ओके, पर जो आरए बिल होता है, आरए बिल मतलब रनिंग अकाउंट में जो ये लोग बिल्स देते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग गवर्नमेंट को, वो उसकी वैल्यू तो कम होगी, उस पर्टिकुलर चीज में भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा यदि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है 2,60,000 रुपए का. ओके, मिस्टर ए से, मिस्टर ए 1 लाख का बिल रेस कर रहा है और उसको जब पेमेंट करेंगे तो उस 1 लाख पे भी टीडीएस काटेंगे. ओके, यहां 2,50,000 का लिमिट नहीं देखेंगे क्योंकि हम देख लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट का लिमिट देख लिए. आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा, लिमिट ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्ट का, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का लिमिट ज्यादा है तो नॉर्मल आरए बिल्स पे भी टीडीएस काटेगा. अगर 2.5 लाख से कम ही कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है तो फिर कितने का बिल देते कोई टीडीएस नहीं रहेगा. ओके, दो चीज हमने कवर किया, अप्लीकेबिलिटी और लिमिट. अब एक केस लेते हैं जिसमें अपन पूरा चीज डिस्कस करेंगे कैसे जीएसटी को करना रहेगा, इसको करना रहेगा. अब यहां क्या है, एक मिस्टर ए है जो इन्होंने इनवॉइस रेस किया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे 1 लाख का और टीडीएस इन्होंने काटा है, जीएसटी इन्होंने लगाया है 9%, दैट इज 18,000 सीजीएसटी एसजीएसटी. ठीक है, ये जनरल एक बिल होता है सर. अब ये सप्लाई कोई भी चीज का हो सकता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या कोई भी चीज. यहाँ पर देखिएगा ये अमाउंट 1 लाख है, हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो होगी वो 2.5 लाख से ऊपर होगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगी और ये बिल जो है आरए बिल 1 लाख का आया होगा. अब इसका डिसबर्समेंट कैसे होगा वो हम देखेंगे. इस पॉइंट पे जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हो एम्प्लॉइज, वो लोग को ध्यान देना रहेगा कि उन लोग का काम को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं हम.
मैंने दो केसेस लिया है, एक 194J का, एक 194C का। जैसे प्रोफेशनल सर्विस यदि दे रहा है मिस्टर ए, उस केस में कैसे, या कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, अदर कुछ सर्विस दे रहा है, उस केस में कैसे। तो एम्प्लॉयज को क्या करना होता है, ये 80,000 है, इसको डिसबर्स करना है। तो इनको सबसे पहले इनकम टैक्स का टीडीएस काटना है, जे के हिसाब से 10%, सी के हिसाब से 1%, दैट इज 1000। ये तो काट दिए। अब जीएसटी के अंदर भी टीडीएस काटना है इनको, कैसे, 1 लाख का 1% सीजीएसटी, एसजीएसटी 1 लाख का 1%। ध्यान दीजिए, आई एम सेइंग 1 लाख पे, दैट इज सप्लाई की वैल्यू पे, ना कि 1,80,000 पे। तो 1 लाख पे आपको टीडीएस काटना है, और नेट आप इतना रिइंबर्स करोगे, ये 10,000 माइनस करोगे, ये 2,000 माइनस करोगे, 1,06,000 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पे, कॉन्ट्रैक्टर को पे करोगे, यहाँ पे ये 3,000 माइनस करके 1,15,000 पे करोगे। यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता, जैसे आप पे करते हो, पार्टी को पे कर देते हो, उसके बाद आपको GSTR-7 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। GSTR-7 की ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ के 7th तारीख तक, नेक्स्ट मंथ के 7th तारीख तक आपको GSTR-7 फाइल करना होगा। और जैसे ही गवर्नमेंट को आप पैसा दे दिए, GSTR फाइल कर दिए 7, उसके 5 डेज में आपको सर्टिफिकेट रेस करना होगा GSTR-7A, और कॉन्ट्रैक्ट को वो भी देना होगा, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, ये पैसा काटना है, 7 फाइल करना है विद इन 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7A, फिर जिस भी दिन रिटर्न फाइल किया उससे 5 दिन, जिस भी दिन डिसबर्समेंट किए, गवर्नमेंट में पैसा जमा हो गया, उससे 5 दिन में आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना और कॉन्ट्रैक्टर को देना। ये अब ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काम हो गया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात करें, तो यहां आप लोग को पहले टीडीएस से पहले कैसे मिलता था, ये 10,000 कटता था और 1,08,000 मिल जाता था, राइट, इस पर्टिकुलर केस में। तो लेकिन आप घबराइए मत, आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है, आपका पैसा काट रहे हैं, जो कि आपको यूज ही होगा, आगे हम देखते हैं वो कैसे। अब आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, मिस्टर ए जैसे इस केस में, ये अपना GSTR-3B फाइल करेंगे, कब फाइल करते हैं, नेक्स्ट मंथ के 20th तक 3B फाइल करेंगे, उसमें टैक्सेबल टर्नओवर दिखाएंगे। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक ही सर्विस, एक ही सप्लाई की है, दैट इज 1 लाख ये वाला, और उस पर CGST SGST 99,000 की इन्होंने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखाया। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टर मतलब ये 3B फाइल कर रहा होगा, इसको याद आएगा कि भाई गवर्नमेंट एजेंसी ने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया GSTR-7A, वो देखता है, अच्छा वो देखा, उसने लिखा है कि आपका TDS कटा है, तब ये अपना GSTR-2A खोलेगा, उसमें दिखते रहेगा क्रेडिट 1,000 का TDS, उस क्रेडिट को ये अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज कर लेगा, और नेट पेमेंट जो इसका 18,000 बनता था, अब वो 16,000 ही पे करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो है, उधर जो पैसा आपका कट रहा था वो यहाँ यूज हो जा रहा है, आपको यहाँ 18,000 पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ 16,000 पे करोगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है। अब IGST जिस केस में रहता है, IGST में डायरेक्ट 18,000 यहाँ रहेगा, और जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट 2% कटेगा, और आप भी यहाँ डायरेक्टली 2,000 ले लोगे। IGST क्या होता है वो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा अभी तक, यदि किसी को डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो ये है पूरा प्रोसीजर कैसे होना है, TDS आने के बाद कैसे होना है। अब यहाँ पे ये चीज आर्टिकलशिप स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा कि ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होना है, उनको ये देखना रहेगा कि GSTR-7 बराबर फाइल हुआ है, 7A गया है बराबर, जो TDS काटे हैं वो सप्लाई की वैल्यू पे है, ना कि GST को मिला के, बिकॉज सेक्शन बोलता है the TDS should be deducted on the amount excluding cesses and taxes। तो ये सारी चीजें हैं, और जो एग्जाम देने वाले मई 19 में, वो लोग ड्यू डेट्स और रिटर्न्स वगैरह याद कर सकते हैं एकेडमिक्स पर्पस के लिए। तो ये हुआ पूरा प्रोसीजर। अब अपन जानेंगे कि क्यों ये TDS का प्रोविजन आया। देखिए पहले क्या होता था, ये बंदा रेस किया बिल, इसको पेमेंट हो जाता था कितना, 1,08,000 इनकम टैक्स का TDS कटने के बाद। अब ये क्या करता था, या तो भूल से या तो खुद ही जबरदस्ती यहाँ 3B फाइल ही नहीं करता था, रिटर्न वो अमाउंट दिखाता ही नहीं था। अब इसने क्या किया, पैसा खा गया ना। देखिए उस समय भी गवर्नमेंट ट्रेस कर पाता ये, क्योंकि ये अपना उसका क्रेडिट लेगा और रिटर्न्स इसमें फाइल हुआ, तो गवर्नमेंट ट्रेस कर पाता। लेकिन अब क्या हो गया है,
अब जैसे ही ये फाइल नहीं करेगा टीडीएस रिजीम में, जैसे ही ये फाइल नहीं करेगा 3B, गवर्नमेंट तुरंत अपना डेटाबेस 7 का डेटाबेस खोलेगा, देखेगा अरे ये पार्टी का तो कटा है, इसका इतना पूरा 1,00,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिख रहा है, 18,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिख रहा है, इसने 3B कैसे फाइल नहीं किया, तुरंत इसको नोटिस आएगा भाई आप कैसे फाइल नहीं किए। तो पहले भी हो सकता था, अभी और आसान हो गया गवर्नमेंट के लिए ट्रेस करना। तो ये एक इवेजन को रोकने का मैकेनिज्म है, राइट। तो ये पूरा टीडीएस का कॉन्सेप्ट है आपके लिए। और एक चीज आर्टिकल 6 स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, देखिए आप अभी नवंबर का वाउचर चेक करेंगे क्योंकि ये एप्लीकेबल 1st of October से हुआ है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज बोले कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल पुराना है या 1 साल पुराना है, उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जीएसटी का, तो आप एंश्योर ये करवाएंगे कि आप उनसे पीओ जो रहेगा वर्क ऑर्डर वो रिवाइज करवाए, ओके, और ये वाला क्लॉज डलवाए, और उसके हिसाब से जब नेक्स्ट बिल्स आएंगे जो उस पर्टिकुलर ऑर्डर्स के बिल आएंगे अक्टूबर 1st के बाद, वो उस पे ये प्रोसीजर फॉलो हो। और जो पहले के बिल्स है, जो पहले जो ऑर्डर के बिल्स अभी मतलब सितंबर तक जो ऑर्डर हुआ है उसके बिल्स अभी आएंगे, आ चुके हैं जिसके बिल्स, उस पे कोई ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब जो अक्टूबर के बाद जो बिल्स आएंगे उसी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो बिल 30 सितंबर तक आ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने रेस कर दिया है, उस पे कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है। जो जीएसटी 1 अक्टूबर के बाद हो रहा है उसके ऊपर ही टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टीडीएस एंड जीएसटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड।